अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि आपके अगर YouTube के सब्सक्राइबर अचानक से एकदम डिक्रीज होने लग जाए तो वो इशू एक्चुअल में है क्या। तो आपको तो पता ही होगा कि YouTube में स्टार्टिंग में अगर आपका चैनल ग्रो नहीं होता तो हर कोई ये सब फॉर सब वाला जो एक ऑप्शन आपके पास लास्ट में बचता है वो करने जाता है। इससे होता क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ ये जो चार एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ऊपर के जो तीन है टेलीग्राम फेसबुक, ये एक मेजर सोर्स है सब फॉर सब करने का। उससे होता क्या आप क्या करते हो कोई भी फेसबुक के ग्रुप पे चले जाते हो, वहाँ से मतलब वहाँ पे अगर आप सर्च करोगे सब फॉर यूट्यूब तो वहाँ पे बहुत से पेजेस आपको दिखाई देंगे। तो उसमें क्या आप जाओगे आपके चैनल का या वीडियो का कोई भी लिंक होगा वहाँ पे पेस्ट करोगे और बोलो कि सब फॉर सब, मतलब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे। एक तो उसमें होता क्या एक जेन्युइन तरीका नहीं, मतलब कोई भी आपको सब्सक्राइब कर देगा फिर आप सबको सब्सक्राइब कर दोगे, बाद में वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने अनसब्सक्राइब किया, और वो सब मतलब आपके जो सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो अपने आप कम होते जाएगा। और दूसरा जो मेन है, मतलब यूट्यूब तो पागल है नहीं, ठीक है, मतलब आप जो भी सब्सक्राइब करोगे अगर आप फेसबुक पे जाके सब फॉर सब करोगे आप वहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देते हो वीडियो का, तो यही सबसे बड़ी गलती आपसे हो जाती है। यूट्यूब का भी क्राइटेरिया के एल्गोरिदम के अगर आप बार बार एक ही लिंक वहाँ पे मतलब कहीं पे पेश करते हो या वहाँ से लोग क्या करते हैं आपका वीडियो बिल्कुल भी देखते नहीं, सिर्फ लाइक कर देते, सब्सक्राइब करते, आपके सब्सक्राइब काउंट हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या यूट्यूब को ये समझ जाता है कि यहाँ पे कोई तो है जो सब्सक्राइब कर रहा है पर वीडियो देखे भी ना, मतलब ऐसा तो कोई अभी जेन्युइन आप देखोगे तो कोई भी वीडियो देखे भी ना आपका सब्सक्राइब करेगा नहीं, मतलब वहाँ पे आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सक्राइब कंटिन्यूस से ग्रोथ होते रहेगा तो यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है वो सब फॉर सब कर रहा है। तो होता क्या है आप जैसे सब्सक्राइब आपके बढ़ाते हो तो सामने वाला, तो मतलब देखो अगर आप किसी को सब्सक्राइब करोगे आप उससे लॉयल रहोगे तो सामने वाला तो आपको अनसब्सक्राइब करेगा नहीं, मतलब ये जो है वो सामने वाला अनसब्सक्राइब आपको नहीं कर रहा, ये यूट्यूब ही अपने आप आपको जो सब्सक्राइबर है वो आपके डिक्रीज अपने आप होते चले जाते हैं। ये यूट्यूब का मतलब अभी स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि उसको पता है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर दिए है तो कोई भी सब फॉर सब करके 1000 सब्सक्राइबर तो लेके आएगा, इसलिए उसने किया गया है अभी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम भी दिया है। तो वो तो वॉच टाइम तो उसमें कवर हो नहीं रहा है ना, कोई भी आके आपका सिर्फ वीडियो लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा है, बस इधर ही खत्म हो जा रहा है। तो मतलब आपके वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लेकिन ये सब यूट्यूब को समझ जाता है। तो यूट्यूब अपने आप ही मतलब आपके जो सब्सक्राइबर है वो वहाँ से ही कम करते जाते हैं। तो अभी इस पर मतलब क्या इस पर अभी दूसरा रास्ता क्या है कि ऐसे डिक्रीज ना हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत से वीडियोज़ अभी देखे तो उसमें कुछ जन क्या बोलते हैं कि ऐसे मतलब आप क्रोम ओपन करो, क्रोम ओपन करके यहाँ पे आप अगर YouTube पे जाओगे ऐसे, और वो भी मतलब कैसे कि जो डेस्कटॉप साइट है यहाँ पे उसे ऑन नहीं करना, ये नॉर्मल जो आपका मोबाइल वर्जन रहेगा वहाँ से आपको सर्च करना है। तो क्या करना है YouTube, ये YouTube होम अगर ये आप ओपन करोगे तो कई बहुत से वीडियो में क्या दिखा है कि यहाँ पर आप ऐसे आपको ऐसे ओपन करना है, यहाँ पर सर्च में जाके आपका जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसे सर्च करोगे तो होगा क्या, ये ऐसे आपके चैनल का लोगो या आपके जो चैनल का जो वीडियो है वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो ये कुछ लोग बोलते गए कि यहाँ पर जो ऊपर जो लिंक दिख रही है आपको इस पे टैप करना है, फिर में ये जो सर यहाँ पे जो फर्स्ट है लिंक ये कॉपी करना है, और ये कॉपी करके आप जहाँ पे सब फॉर सब जिससे भी मांग रहे हो वहाँ पे जाके ये लिंक पेस्ट करनी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये भी लिंक आप पेस्ट करोगे ना और कंटिन्यूस मतलब सब्सक्राइबर वहाँ से लेते रहोगे तो आपके सब्सक्राइबर कम होने ही है। दूसरा और क्या लोग करते हैं कि यहाँ पे मतलब टेलीग्राम के, तो आपको पता ही होगा टेलीग्राम पे जाओगे यहाँ पे सर्च करोगे सब फॉर सब वगैरह ऐसा कुछ सर्च करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे यूट्यूब के आ जाएंगे, इस पर आप ओपन करके वो ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आप अपना लिंक डाल दोगे तो वहाँ से भी आप सब्सक्राइबर गेन करोगे। पर यूट्यूब पागल है नहीं, उसको सब पता है, अगर आप वैसे सब्सक्राइबर गेन करोगे
तो आपके कम होने ही होने। तो इस पे क्या है, अभी एक तो आपको जेन्युइन करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, जब तक कोई आपके मतलब थोड़ा वॉच टाइम भी आपका बढ़ना चाहिए और सब्सक्राइबर भी जब बढ़ेंगे तब यूट्यूब ऐसे सब्सक्राइबर कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मतलब समझ जाएगा कि कोई तो है जो वीडियो देख रहा है उसके बाद जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऐसे तो कभी कम नहीं होंगे आपके। लेकिन सिर्फ कोई भी जाके आपको लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो यूट्यूब को समझ जाता है कि वीडियो के वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अपने आप यूट्यूब ही वो सब्सक्राइबर कम कर देता है। तो इस पर अभी आप देखोगे तो वैसे अभी तक कुछ सॉल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी है यूट्यूब ने। पहले ऐसे यूट्यूब पे कुछ नहीं था, आप किसको भी मतलब कहीं से भी सब्सक्राइबर उठा लो, कुछ भी कर लो, यूट्यूब को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन अभी इतने सारे क्रिएटर्स हो गए कि यूट्यूब ने सब पॉलिसी है उनकी वो एकदम स्ट्रिक्ट कर दी है। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आप जेन्युइन हो, आपके मतलब मतलब 1000 के आसपास अगर आपके सब्सक्राइबर चले गए, मतलब 800, 700, 900 वगैरह, तो आप गलती से भी ये जो है इसमें आप पढ़ना ही नहीं, क्योंकि इससे होगा क्या, जो आपने मेहनत करके जितने आपने जो सब्सक्राइबर गेन किए वो भी आप लॉस कर दोगे। तो मेरा कहना यही है कि जितना आपसे मतलब जेन्युइनली हो सके, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको आप बता सकते हो, लेकिन किसी को भी बताने से पहले बोलना कि थोड़ा मतलब थोड़ी देर वीडियो देख लेना, कुछ लाइक करना, उसके बाद ही मतलब सब्सक्राइब करना। ऐसे अचानक सब्सक्राइबर बढ़ाते रहोगे तो ये यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर जितने आपने जेन्युइनली जो कमाए थे वो भी आपके कम हो ही जाएंगे। तो ये सब मतलब सब्सक्राइब सब फॉर सब वाला तो अभी ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, या फिर आप कोई भी मतलब जो रहते कुछ एप्लीकेशन रहते जो आपको 500 सब्सक्राइबर प्रोवाइड करते, तो वो तो सबसे बड़ी गलत मतलब बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि अचानक से आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर बढ़ भी गए, कुछ आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ रहे, तो यूट्यूब है नहीं पागल इतना कि उसको कुछ समझे नहीं, वो आपके सब्सक्राइबर जितने आपने जेन्युइनली 50-60 कमाए थे वो भी आपके कम हो जाएंगे। तो ये सब मत करना, सब फॉर सब जेन्युइनली किसी फ्रेंड को या ऐसे सजेस्ट करके उनसे आप सब्सक्राइब मतलब कर सकते हो, वो तो मतलब आप फ्रेंड रहेगा तो वो कोई भी आपका वीडियो वगैरह वॉच तो करेगा, तो ऐसे आप जो सब्सक्राइबर कमाओगे वो आपके कभी कम नहीं होंगे। लेकिन ये सब फॉर सब अगर करने जाओगे तो आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर डिक्रीज होने ही है। तो इस पर अभी तक तो कुछ सॉल्यूशन है नहीं, अगर कुछ सॉल्यूशन वगैरह मिल भी जाता है तो मैं इस चैनल पे मतलब आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। नहीं तो होगा क्या, जितने भी और जेन्युइनली सब्सक्राइबर आप खुद के बढ़ा रहे थे वो भी कम ही हो जाएंगे, और फिर क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि बार बार आप करते रहोगे तो यूट्यूब कुछ एक्शन भी ले सकता है आपके चैनल पे, बैन कर सकता है एक हफ्ते के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सब करो ही मत।